दोस्तों Redmi Note 13 सीरीज 4 जनवरी को इंडिया में लॉन्च होने वाला है और Redmi Note 13 सीरीज के अंदर तीन स्मार्टफोन को इंडिया में लॉन्च किया जाएगा, Redmi Note 13, Redmi Note 13 Pro और Redmi Note 13 Pro Plus। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं Redmi Note 13 Pro स्मार्टफोन के बारे में, जैसे कि इस फोन में आपको क्या कुछ स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेंगे, क्या कुछ फोन में आपको फीचर्स देखने को मिलेंगे और साथ ही किस प्राइस पॉइंट पर इस फोन को इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। और दोस्तों Redmi Note 13 के ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर इस वीडियो के इन डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक देखने को मिल जाएगा जहां से आप Redmi Note 13 का वीडियो देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबा लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपको दोस्तों मोबाइल फोन से रिलेटेड जेन और कंटेंट मिलते रहते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा और स्वागत है आपका इस कृष्णा टेक पे। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं Redmi Note 13 Pro स्मार्टफोन की बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन की। तो दोस्तों इस फोन का बिल्ड क्वालिटी आपको काफ़ी हैवी देखने को मिलने वाला है। दोस्तों इस फोन के बैक में आपको ग्लास देखने को मिल जाएगा और फोन के फ्रंट में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स का प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा और साथ ही इस फोन का थिकनेस 8mm का आपको देखने को मिलेगा और इस फोन का वेट 187 ग्राम का देखने को मिल जाएगा। वहीं डिजाइन की बात करें तो इस फोन के बैक साइड में टॉप लेफ्ट में आपको तीन कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाएगा, साथ में LED फ्लैश देखने को मिल जाएगी और नीचे आपको Redmi की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। वहीं बात करें फ्रंट की तो फ्रंट में आपको सेंटर पंच होल वाला डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल दोस्तों फोन का बिल्ड क्वालिटी और फोन का डिजाइन काफी अच्छा होने वाला है। दोस्तों फोन के बिल्ड क्वालिटी और फोन के डिजाइन से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बात करें Redmi Note 13 Pro स्मार्टफोन में डिस्प्ले की तो दोस्तों इस फोन में आपको मिल जाएगा 6.67 इंच की फुल HD प्लस OLED डिस्प्ले, जिसमें आपको 68 बिलियन तक का कलर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। साथ में आपको 120Hz का रिफ्रेशर देखने को मिल जाएगा, 1800 nits की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगी, Dolby Vision का सर्टिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। दोस्तों तो ओवरऑल दोस्तों फोन का डिस्प्ले कंटेंट वाचिंग के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। दोस्तों फोन के डिस्प्ले से भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बात करें अगर Redmi Note 13 Pro स्मार्टफोन में कैमरा की तो दोस्तों इस फोन के बैक साइड में आपको तीन कैमरा का सेटअप देखने को मिलेगा, जिसमें आपको 200 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा सेंसर देखने को मिल जाएगा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर देखने को मिलेगा और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो सेंसर देखने को मिलेगा। वहीं फ्रंट कैमरा की बात करें तो दोस्तों फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। और अगर बात करें वीडियो रिकॉर्डिंग की तो इस फोन के बैक कैमरे से आप 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो अप टू 30fps पे और फ्रंट कैमरे से आप 1080p पे वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो अप टू 60fps पे। और बात करें अगर कैमरा आउटपुट की दोस्तों तो कैमरा आउटपुट आपको अच्छा देखने को मिल जाएगा इस फोन के कैमरे से। बात करें दोस्तों Redmi Note 13 Pro स्मार्टफोन में परफॉर्मेंस की तो दोस्तों इस फोन में आपको मिल जाता है क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 7S जनरेशन 2 वाला चिपसेट जो 4nm फैब्रिकेशन पर बेस है और ये वाला प्रोसेसर दोस्तों काफी ज्यादा पावरफुल है, जिससे कि आप मीडियम और हाई सेटिंग पे भी BGMI और कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे गेम खेलोगे तो ये फोन आपको लैग होता हुआ देखने को नहीं मिलेगा, काफी स्मूथली आप इसमें गेम रन कर पाओगे। बात करें दोस्तों अगर सॉफ्टवेयर की तो ये फोन दोस्तों आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉइड 13 पर देखने को मिल जाएगा, साथ ही में आपको MIUI 14 का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। और अगर बात करें दोस्तों इस फोन में बैटरी की तो दोस्तों इस फोन में आपको मिल जाता है 5100mAh की बैटरी, जिसे चार्ज करने के लिए आपको मिल जाता है 67W का टाइप सी पोर्ट वाला चार्जर। और बैटरी बैकअप भी इस फोन में आपको काफी अच्छा देखने को मिल जाता है, क्योंकि दोस्तों इस फोन का प्रोसेसर और फोन का डिस्प्ले काफी अच्छा है तो बैटरी बैकअप भी आपको काफी अच्छा देखने को मिलेगा। बात करें दोस्तों एक्स्ट्रा फीचर्स के बारे में तो दोस्तों इस फोन में आपको मिल जाता है अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, फेस अनलॉक का सपोर्ट, 3.5mm ऑडियो जैक, डुअल स्टीरियो स्पीकर और शूटर प्रूटर के सारे सेंसर वगैरह आपको देखने को मिल जाते हैं। और लास्ट अगर बात करें इस फोन के इंडिया प्राइस की तो दोस्तों इस फोन का इंडिया में लगभग प्राइस आपको 23 से 24 हज़ार रुपये देखने को मिल सकता है। और ये फोन अगर 22 से 23 हज़ार रुपये के अंदर अगर इंडिया में आपको देखने को मिलेगा तो क्या आप इस फोन को परचेज करना पसंद करोगे, कमेंट करके जरूर से बताना। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को कर देना लाइक और चैनल पर नया हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट किसी और ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।